क्या आप जानते हैं कि जब कभी आपको कपकपाहट हो तो उसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि उस कपकपाहट की वजह एक बुरी आत्मा हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर में आगे छोटे और पीछे बड़े टायर क्यों लगाए जाते हैं? क्या आप उस जीव के बारे में जानते हैं जो इंसानों की तरह ही बच्चों को गोद लेती है? क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां के बच्चे नकली माता पिता बनाते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, अगर आपको खेती बाड़ी का शौक है या फिर आपने कभी गांव कस्बों में खेतों पर ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा तो इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि ट्रैक्टर का एक टायर छोटा और एक टायर बड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लगे बड़े टायर उसे जमीन पर बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं, वहीं छोटे आकार के अगले टायर ट्रैक्टर को खेत में आगे पीछे मुड़ने में मदद करते हैं। यही वजह है कि ट्रैक्टर के टायर छोटे और बड़े डिजाइन में बनाए जाते हैं। अगर ट्रैक्टर के सभी टायर बड़े होंगे तो उसे खेत पर चलाना मुश्किल हो जाएगा और ट्रैक्टर को आसानी से मोड़ा भी नहीं जा सकेगा। वहीं अगर इसके टायर छोटे होंगे तो ट्रैक्टर ज्यादा वजन नहीं संभाल पाएगा। यही वजह है कि ट्रैक्टर के आकार और बैलेंस को बनाए रखने के लिए उसमें छोटे और बड़े टायर लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से खेती का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। नंबर टू, इंसान को तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कैंसर से लेकर हार्ट अटैक जैसी घातक समस्याएं शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान को चोरी करने की बुरी लत लग जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस अजीबोगरीब बीमारी का नाम क्लिप्टोमेनिया है, जिससे पीड़ित इंसान को चोरी करने की आदत हो जाती है। यह बीमारी इंसान को क्यों होती है, इस बात का पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए हैं। लेकिन यह बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है, जिसका अब तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा गया है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बिना किसी मुनाफे या लालच के किसी भी चीज की चोरी करने लगता है और उन वस्तुओं को सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। हालांकि दवाइयां और टॉक थेरेपी के जरिए क्लिप्टोमेनिया से पीड़ित व्यक्ति को काफी हद तक आराम मिल सकता है। नंबर थ्री, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर इंसान के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए उन्हें मैच कर पाना आसान नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों की तरह ही कुत्ते के नोज प्रिंट भी बिल्कुल अलग होते हैं, जिन्हें मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आपको इस फैक्ट की जानकारी होना बेहद जरूरी है। नोज प्रिंट के अलग अलग होने की वजह से ही कुत्तों की विभिन्न नस्लों में असामान्यताएं पाई जाती हैं। किसी नस्ल के कुत्ते बहुत ही तेजी से स्मेल को पहचान लेते हैं, तो वहीं कुछ कुत्तों की सूंघने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। अगर आप एक कुत्ते के नोज प्रिंट को दूसरे कुत्ते के नोज प्रिंट से मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अंतर आसानी से समझ आ जाएगा। नंबर फोर, ऐसा जरूरी नहीं है कि धरती पर सिर्फ इंसान ही सुसाइड करता है, क्योंकि इस काम को अंजाम देने में डॉल्फिन भी पीछे नहीं है। दरअसल डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो इंसानों की तरह प्यार और दर्द को सबसे ज्यादा समझ सकती है। ऐसे में जब डॉल्फिन का पार्टनर या करीबी दोस्त प्राकृतिक कारणों की वजह से मर जाता है तो दूसरी डॉल्फिन उसकी याद में आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है। सुसाइड करने के लिए डॉल्फिन समुद्र से बाहर निकल जाती है और किनारे पर आकर खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। ऐसा करने से वह जख्मी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें डॉल्फिन आत्महत्या करने के इरादे से समुद्र के किनारे आ जाती हैं। हालांकि इंसान को देखकर वह सुसाइड नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें भी अकेले में मौत को गले लगाना पसंद है। नंबर फाइव, अगर आपको लगता है कि अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ इंसान ही उठा सकता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो इंसानों की तरह ही अनाथ बच्चों को गोद लेने का नेक काम करता है। इस प्यारे जीव का नाम है गिलहरी, जो दूसरी गिलहरी के बच्चों को ना सिर्फ गोद लेती है बल्कि उम्र भर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उठाती है। दरअसल जब किसी गिलहरी की मौत हो जाती है और उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो दूसरी गिलहरी उन बच्चों को गोद ले लेती है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा भटक जाता है और अपने माता पिता तक नहीं पहुंच पाता है तो उस स्थिति में भी गिलहरी उस बच्चे को गोद ले लेती है। वह दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है और उनके लिए बराबर भोजन का इंतजाम करती है, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है। नंबर सिक्स, आज हर वर्ग का व्यक्ति जीन्स पहनना पसंद करता है, जिसे फैशन और ट्रेंड की निशानी माना जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब जीन्स का डिजाइन तैयार किया गया था तो उसे मजदूर वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था। दरअसल मजदूर वर्ग के लोगों के कपड़े ज्यादा काम करने की वजह से जल्दी फट जाते थे। ऐसे में कंपनी को बार बार उन्हें कपड़े सिलवा कर देने पड़ते थे। ऐसे में लेवाई नामक कंपनी ने मजदूरों के लिए मजबूत कपड़े की जींस बनाने का काम शुरू किया, जिसे मजदूरों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इसमें गहरी पॉकेट के साथ साथ छोटे मोटे औजार रखने के लिए एक्स्ट्रा जीप दी गई, ताकि मजदूरों को काम करने में आसानी हो। यही वजह थी कि मध्यम और अमीर वर्ग के लोग जींस पहनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए तो यह लो क्लास कपड़ा था। इसी सोच के चलते खुद लेवाई कंपनी के मालिक ने भी जीवन भर अपने ब्रांड की जींस नहीं पहनी, क्योंकि उनका मानना था कि जींस सिर्फ मजदूर लोग ही पहनते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हर वर्ग और उम्र का व्यक्ति जींस पहनना पसंद करता है, जबकि उसका डिजाइन आज भी मजदूरों वाला ही है। नंबर 7, ये बात सच है कि अगर किसी इंसान की किस्मत अच्छी हो तो वह किसी भी मुसीबत से आसानी से बच जाता है। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल फ्लोरिडा में रहने वाले एक व्यक्ति को अचानक से सिर दर्द की शिकायत हो गई, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास गया। एक्सरे से पता चला कि उस व्यक्ति के दिमाग में एक बुलेट फंसी हुई है, जो दिमाग के अंदरूनी हिस्से को टच कर रही है और उसकी वजह से दर्द का एहसास हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं था कि उसे गोली कब लगी और वह जिंदा कैसे बच गया। ऐसे में उसने पुलिस की मदद ली। पुलिस जांच में पता चला कि उस शख्स को गोली मारने का काम उसकी पत्नी ने किया था, लेकिन बंदूक में खराबी होने की वजह से बुलेट बहुत ही धीमी गति से उसके दिमाग के अंदर गई और वहीं फंस गई। उस शख्स को गोली लगने का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह नींद की गोली खाकर सोया था। ऐसे में उसे गोली कब लगी उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी, कितने दिनों तक दिमाग में बुलेट फंसे होने के बावजूद भी उसकी जान बच गई और डॉक्टर्स ने उसके दिमाग से बुलेट बाहर निकाल ली। नंबर 8, अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं या अपने कमरे में लेटे हुए हैं और आपको अचानक से शरीर में कपकपाहट का एहसास हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। ये बहुत ही असामान्य घटना है जो कभी कभार ही किसी व्यक्ति को महसूस होती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल शरीर में अचानक इस तरह की कपकपाहट होना अदृश्य शक्तियों की तरफ इशारा करता है, जिसे हमारे शरीर का सिक्स सेंस आसानी से पहचान लेता है। ऐसे में जब इंसान के आसपास से कोई आत्मा गुजरती है या उसके बेहद करीब मौजूद होती है तो शरीर को खतरे या किसी असामान्य चीज के आसपास होने का एहसास होता है। ऐसे में शरीर उस खतरे के प्रति सतर्क करने के लिए सिग्नल भेजता है, जो हमें कपकपाहट के रूप में महसूस होता है। इस फैक्ट को बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको सतर्क करने के लिए शेयर किया गया है। नंबर 9, भले ही भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा हो, लेकिन अभी भी कई जगहों पर कैश लेन देन ही किया जाता है। ऐसे में 10 रुपए से लेकर 2000 के नोट में गांधी जी की फोटो देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फोटो में एक ऐसी सीक्रेट चीज मौजूद होती है, जिसे देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि नोट असली है या नकली। अगर आप किसी भी नोट में महात्मा गांधी की फोटो को ध्यान से देखेंगे तो उनके लेफ्ट चश्मे पर भारत लिखा हुआ होगा। यह चिन्ह हर भारतीय नोट में मौजूद होता है, जो उसके असली या नकली होने का प्रमाण है। हालांकि भारत लिखा हुआ यह चिन्ह इतना बारीक होता है कि आपको इसे साफ साफ देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। इस सीक्रेट फैक्ट को जानने के बाद आप आसानी से असली और नकली नोट के बीच फर्क पहचान पाएंगे। नंबर 10, आज तक आपने सुना होगा कि चीन में हर ब्रांड की नकली कॉपी तैयार की जाती है, फिर चाहे वो आईफोन हो या फिर KFC। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में सिर्फ मशहूर प्रोडक्ट्स की ही नहीं, बल्कि माता पिता की नकली कॉपी बहुत ज्यादा प्रचलन में है। दरअसल चीन के स्कूली बच्चे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के दौरान असली माता पिता की जगह पर फेक माता पिता को ले जाना पसंद करते हैं, ताकि उनकी शिकायत घर वालों तक ना पहुंचे। चीन में नकली माता पिता के साथ साथ फेक दादा दादी, फेक अंकल और फेक भाई बहन का प्रचलन भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस देश में बेरोजगार लोग इस काम को करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। देश में फेक परिजनों के इस व्यापार के बारे में चीनी सरकार और नागरिकों को पूरी जानकारी है, लेकिन कोई इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। तो ये थे दिमाग को हिला देने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।